आपको एक ऐसा अमल बताने लगा हूँ हदीस की रोशनी में, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में, कि उस अमल को करने से अगर हम में से किसी से भी कोई गुनाह हो जाता है, गुनाह सरज़द हो जाता है क्योंकि हम इंसान हैं, तो अगर उस अमल को हम कर लेंगे बाद में, तो उस अमल की वजह से वो जो हम पर गुनाह वाले असरात थे वो हट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो वो क्या अमल है, वो हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं, वो बयान करते हैं। कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल से अर्ज़ किया, उनसे पूछा कि अल्लाह के रसूल अवसिनी, कि मुझे जो है ना वो कोई वसीयत कर दीजिए। तो नबी अस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुझसे कोई बुराई हो जाए, कोई बुरा काम सरज़द हो जाए, तो उसके बाद कोई नेकी कर लिया करो, तो वो जो नेकी है वो उस बुराई को मिटा देगी। इस हदीस में जो नबी अस्सलाम ने फरमाया है इरशाद कि वो नेकी जो है वो उस बुराई को मिटा देगी, इसका मतलब ये है कि वो उस बुराई के असर को कम कर देगी, ख़त्म कर देगी, दूर कर देगी। फिर आगे हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी अस्सलाम से फिर पूछा कि अल्लाह के रसूल, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह भी ये नेकी है, यानी इसका भी शुमार नेकियों में होता है, यानी जो हम पहला कलमा हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह उसका पहला जुज़। तो सहाबी रसूल ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, क्या ये भी जो है नेकी है? तो नबी अस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये तो जो है सबसे अफजल नेकी है। इसको ये जो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, इतना इतना जो पहला जुज़ है कलमे का, इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफजल जो है ना वो नेकी क्यों इरशाद फरमाया? क्योंकि इसके अंदर तौहीद का जिक्र है, और तौहीद जो है ना वो दीन की जो है, दीन का, इस्लाम का सबसे पहला सुतून है, इस्लाम का सबसे पहला वो रुकन है।